चौथा चरण आने को है, शुरू होने को है। इसी कड़ी में श्रमिकों का जो अपने गृह जनपद को छोड़ के अदर अन्य राज्यों में अपने रोज़गार के लिए विवश परिस्थितियों के वश अपने रोज़गार के लिए अपने गृह जनपद को छोड़ के गए हुए थे, उनका पलायन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जाजमऊ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रमिकों ने पलायन करते हुए यहाँ पर अपने गृह जनपद के लिए उनका पलायन जारी है। इसी बीच हम देख सकते हैं शासन प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बना रखी है और उन श्रमिकों के पलायन के लिए, उनके गृह जनपद वापसी के लिए, उनके अपने स्थानों में, गंतव्य स्थानों में जाने के लिए वहाँ पर उन्होंने उसके लिए व्यवस्था बना रखी है। इसी बीच मैं एडिशनल SP साहब हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। सर, ये जो मजदूरों का पलायन जारी है, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की? देखिए, जो श्रमिकों आ रहे हैं पैदल, उनको पैदल नहीं जाने देना है। उनके लिए हम लोगों ने होल्डिंग पॉइंट बना रखे हैं जगह जगह जनपद में, और वहाँ से बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। ये हमारी व्यवस्था लगातार चल रही है। तो ये यहाँ से सर, ये गंतव्य में जाएंगे तो यहाँ से इनको कहाँ, किस प्रकार से भेजा जाएगा? कहाँ से हम लोग होल्डिंग पॉइंट, जैसे मैंने बताया, बना रखे हैं। जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से इनको बस की व्यवस्था करके गंतव्य तक भेजा जाता है। इनके साथ लंच पैकेट और पानी की व्यवस्था करके इनको भेज दिया जाता है। तो ये थे हमारे एडिशनल SP साहब, जिनसे हमने जानकारी प्राप्त की है, और इसी जानकारी के अनुसार आइए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ मजदूरों का पलायन किस तरीके से यहाँ पे ये खड़े हैं। इस सड़क को बनाने में जो उनका पसीना लगता है, जिस मेहनत से वो बनाते हैं, यही श्रमिकों का योगदान रहता है। और इसी लंबी सड़क की दूरी को, हज़ारों किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए वे आज यहाँ विवश हैं, मजबूर हैं, लॉकडाउन के चलते मजबूर हैं, अपने गृह जनपद को जाना चाहते हैं, अपने गंतव्य स्थानों के साथ अपनों के बीच जाना चाहते हैं। शुक्ला के न्यूज़।